हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। 6:30 का टाइम हो रहा है शाम का और पानी देने के लिए आई थी तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा अपडेट दे देती हूँ गार्डन का। काफ़ी टाइम हो गया है टेरेस गार्डन का अपडेट दिए हुए और कुछ हार्वेस्टिंग भी करनी थी तो सब्जियों का भी अपडेट आपको मिल जाएगा साथ के साथ, और क्या क्या लगा हुआ है, क्या मैंने हार्वेस्ट ऑलरेडी कर लिया है, ये सब आपको अपडेट मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो काना लिली के में ब्लूमिंग शुरू हो चुकी है, फर्स्ट टाइम इसमें ब्लूमिंग आई है और दूसरा सीजन है ये मेरे पास इसको। तो नीचे से ऊपर लेके आए तो वैसे शौक में था तो वो टूट भी गया था और अब इसमें अच्छी ब्लूमिंग देखने को मिल रही है। ये सर्दियों के पॉट हैं जो एक तरफ रखे हुए हैं, इनको ठीक ठाक करके एक्चुअली नर्सरी का विजिट करना है एक, और गर्मियों के कुछ ऐसे प्लांट्स लेके आने हैं जो बास्केट के प्लांट हो वो इनमें भी डालने हैं, और बास्केट भी पड़ी हैं कुछ मेरी खाली तो उसमें भी डालने हैं। तो टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है यहाँ दिल्ली का, और सुबह घर का काम होता है तब तक टेम्परेचर हाई हो जाता है, फिर शाम को फिर से टाइम निकालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है कुछ। तो ये देखिए स्टैंड में ये दो में तो जेड प्लांट लगाया हुआ है, दो बास्केट में, और दो तीन में मैंने फिर 9 to 5 डाला हुआ है, उसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो चुकी है। एक वाइट है और एक पिंक है जो सबके पास कॉमन होता है वही, और ये अच्छा फैला हुआ है जेट प्लांट, और मैं सोच रही हूँ इसकी टोप्यारी बनाऊँ मैं कोई एनिमल की शेप में या कैसे, क्योंकि अच्छा बड़ा प्लांट है ये, पुराना प्लांट है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। टेरेस गार्डन के प्लांटर्स तो एक ही दिन में बिल्कुल सूख जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं, पत्ते लटक जाते हैं। मतलब ये साल्विया साल्विया है जो मेरा ना सीड से ग्रो हुआ है अपने आप ही, तभी इतना हरा भरा है ये, नहीं तो अब साल्विया ना ख़त्म होने की उसमें है, थोड़े बहुत मतलब बचे हुए हैं बस। और लैंटाना है और इसमें भी ब्लूमिंग फर्स्ट टाइम हुई है, मतलब इस सीजन की फर्स्ट हुई है एडेनियम में येलो कलर में। अनार में मेरा फूल तो आए थे लेकिन है ना हवा तेज चलने के कारण वो झड़ गए पहले ही, और अभी कुछ है नहीं है इसमें। लेमन ग्रास भी अपने उस पे है। सारे जो ब्लूमिंग वाले प्लांट हैं गर्मी वाले सब ब्लूम कर रहे हैं इस टाइम। ये देखिए हाइब्रिड हिबिस्कस और ये मिट्टी में ही कोई सीड आ गया था जट्रोफा के, दो मैंने सब्जियों वाले बीज बिखेरे थे लेकिन दो में ये हो गए। ये बैंगन का है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ इसमें फ्रूटिंग आनी, और ये पता नहीं किस चीज़ का है, इसमें भी फल वो फूल आए हुए हैं, देखते हैं क्या लगता है इसमें। और एक एक ही प्लांट होगा ये, मतलब पूरा पैकेट मैंने बिखेरा था, एक एक प्लांट होगा देखो। और ये है शिमला मिर्च का है शायद, ये पता नहीं दूसरी मिर्च का है, दोनों मिर्च के बिखेरे थे, शिमला मिर्च के और हरी मिर्च के, दोनों के पत्ते एक जैसे होते हैं तकरीबन। इसमें दो तीन प्लांट निकले हुए हैं बस, और वीड्स इतनी हो जाती है ना हर रोज़ निकालनी पड़ती है हर रोज़, तभी इनको जाके थोड़ी खुराक मिलती है। बराबर में वीड्स इतनी उग जाती है और मतलब इतनी स्पीडली ग्रोथ होती है, और प्लांट्स की इतनी स्पीडली ग्रोथ नहीं होती जितनी वीड्स की होती है। चप्पल कद्दू का है ये, अभी इसमें फूल आए हुए हैं लगेंगे इसमें भी। मतलब अगर आप सब्जियां बो रहे हो ना तो मज़ा तो जब है जब एक तरह के कई प्लांट हों, तभी एक टाइम की सब्जी निकलती है, एक दो प्लांट से कुछ नहीं होने जाने वाला। ये गुलदावदी है, इसको भी मैंने सेफ करना है,
और अभी तो पूरे धूप में है ये, इसको थोड़ा छाया में रखना है, ऐसी जगह पर जहाँ पर धूप कम लगे और छाया हो। ये सीताफल की बेल है, इसमें भी फूल आए हुए हैं। और ये वाली लौकी की बेल है, इसमें भी फूल आए हुए हैं, तो देखते हैं। और ये चप्पल कद्दू का है, चप्पल कद्दू के काफ़ी सारे बन गए थे, मतलब ये देखिए लगा भी हुआ है, इसको भी हार्वेस्ट करना है। दो तीन प्लांट में हैं जो मैंने हार्वेस्ट करने हैं। और ये देखिए इसमें भी चप्पल कद्दू के हैं, ये देखिए लगे हुए हैं इसमें तीन चार, और एक तो लगा लगा ख़राब ही हो गया, मैं ध्यान ही नहीं रहा तोड़ना, मैंने सोचा थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर निकालूँगी। और ये करेले की बेल है, इसमें से मैंने पहले हार्वेस्ट कर लिए हैं। टमाटर के भी फूल आए हुए हैं और टिंडे भी बहुत छोटे छोटे हैं, टिंडे भी मैंने अभी हार्वेस्ट करने हैं, लेकिन अभी नहीं, बहुत छोटे हैं, एक साथ निकालूंगी मैं ये, दो चार दिन में थोड़े बड़े हो जाएंगे जब, तो एक टाइम की सब्जी तो बनी जाएगी, कम से कम दो चार जने खा लें। ये लगा लगा भी ख़राब हो जाते हैं, थोड़ा साइज बढ़ने के लिए छोड़ दो, कई बार तो वो बर्ड्स आती हैं वो ख़राब कर देती हैं आके। और बिगुनिया मेरा सबसे बेस्ट प्लांट रहा है इस सीज़न का, पहले कभी भी मेरे यहाँ बिगुनिया चला नहीं है, मैंने दो तीन बार ट्राई किया था और अब की बार तो मेरा भरा हुआ है पूरा अभी तक। इधर इसको कुछ छाया भी मिल जाती है क्योंकि इसके पास चारों ओर प्लांट लगे हुए हैं ना, और बैम्बू की भी दोपहर बाद बैम्बू की छाया आ जाती है, और शुरू सुबह सुबह की हल्की धूप इसको थोड़ी लगती है बस। और ये देखिए डॉग फ्लावर भी अभी तक चल रहे हैं मेरे, क्योंकि इस साइड है ना धूप, सुबह की धूप आती है हल्की, और आधे दिन की धूप मतलब लगती है यहाँ पर, तो इसलिए ये सब प्लांट यहाँ पर चल रहे हैं। और ब्लू जैस्मिन, देसी वाला क्लेंचो, सब ब्लूमिंग पे हैं अभी। और रात की रानी और मोगरा में अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, पता नहीं क्या दिक्कत है। बाकी मैक्सिकन पिटूनिया, केप जैस्मिन, ये टेबल टॉप कामिनी, ये सब ब्लूमिंग पे हैं। इन पे केप जैस्मिन पे सब पे वीडियो है डिटेल में, अगर आप जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए केप जैस्मिन में ये स्पेंट होने के बाद फ्लावर ऐसे ही जामुन जैसा फ्रूट आता है। मेडिसिनल वैल्यू बहुत है इसकी, जो बच्चों के पेट में दर्द होता है अगर उसको ये खिला दी जाए, इसका जो पल्प निकलता है तो बहुत अच्छा होता है। ये राखी बेल है मेरी, एक बार बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मतलब फूल शुरू हो गए थे आने, नीचे रखी थी लेकिन अब ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके ना बीच कुछ उसमें रह गई थी मिट्टी में, तो वो अब ग्रो करना शुरू कर दिया। और ये अपराजिता का क्या हाल हुआ है, मेरा टोपियारी बनाई थी मैंने अपराजिता की, इतनी अच्छी वीडियो भी है मेरे उस पर, और इतनी हरी भरी थी, और अब सर्दियों में भी सही थी, और अब आके गर्मी में जब इसका सीजन था ग्रो करने का, अब सूख गई। फिर से ये दो तीन प्लांट ऐसे हैं, फिर से मैं लेके आऊँगी, मेरी लिस्ट में है नर्सरी में अगर मिल गए तो। जो देखिए इतने प्लांट होने के बाद जो रेयर प्लांट होते हैं ना, और आपके गार्डन में वो एक दो साल चल के ख़त्म हो जाते हैं, तो बस वो ही लाने का रह जाता है कि वो ही रेयर प्लांट मैं लेके आऊँ। और सीजनल जो गर्मियों के प्लांट हैं, सर्दियों के प्लांट हैं, थोड़ा वो हो जाता है कि वो भी होने चाहिए हमारे पास, क्योंकि उन्हीं से ही गार्डन हरा भरा दिखाई देता है, फूलों वाला दिखाई देता है, अच्छा लगता है। बाकी गार्डनर को पौधों की जो लालसा होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, ये मैंने देख लिया है। कितना ही हम पैसे खर्च कर लें लेकिन वही दो चार महीने के बाद फिर से नीड फील होने लग जाती है कि हाँ होना चाहिए ये वाला प्लांट। और ये देखिए दूर से कुछ ऐसा लगता है गार्डन, बस अब अंधेरा होने वाला है, पानी वानी मैंने दे दिया है प्लांट में, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेती हूँ थोड़े से अपडेट के, और गर्मियों की सब्जियाँ हमें कौन कौन सी लगानी चाहिए ये भी आपको पता चल गया होगा देख के।
ये शुरुआत है मेरी सब्जियों की, और आगे आगे देखना आप क्या क्या हम लगाएंगे, क्योंकि जो ग्रो बैग सब्जियों के लिए खरीदे हैं वो सब्जियों के लिए ही रहने वाले हैं, कोशिश तो यही रहेगी। और ये देखिए, बस इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, और फिर से मिलते हैं नए अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।